लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जीन टॉक्सिसिटी, एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट स्टार्ट फ्रॉम द सप्रेशन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स. सप्रेशन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स, हाउ टू सप्रेस इम्यून रेस्पॉन्स, कैसे ड्रग्स इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस करती है. पेशेंट्स टेकिंग इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स सच एज एजाथियोप्रिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग लिम्फोमास. एजाथियोप्रिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैव ए इम्यूनो सप्रेसिव एक्टिविटी. ये क्या करते हैं, हम लोगों की जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स हैं जो कि हम लोगों की इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग लिम्फोमास. लिम्फोमास मीन्स ए कैंसर ऑफ ए लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फोमास एक कैंसर का टाइप है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हम लोगों को कैंसर कॉज करता है. नेक्स्ट वन, इफेक्ट कंसर्न विथ रिप्रोडक्शन. इफेक्ट कंसर्न विथ रिप्रोडक्शन इम्पेयर्ड फर्टिलिटी. फर्स्ट वन, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स कैन कॉज फीमेल इनफर्टिलिटी थ्रू ओवेरियन फेलियर विथ एमनीरिया. डू यू नो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, व्हाट इज साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, एनीवन कोई बता सकता है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स कौन सी होती है? एनीवन, व्हाट इज द यूज ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, यस और नो? हेलो, एनीवन रिप्लाई मी, व्हाट इज द यूज ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड व्हाट इज द साइटोटॉक्सिक ड्रग्स? आप लोगों को रिप्लाई करने में भी कोई प्रॉब्लम है क्या? रिप्लाई तो कर सकते हो कि भाई यस या नो. हेलो, आवाज नहीं आ रही आप लोगों के पास? यस व्हाट इज साइटोटॉक्सिक ड्रग एंड यूज ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, आप लोगों को पता है तो बताओ, नहीं पता है तो नो बोलो, जिससे मैं आप लोगों को बताऊं. काम में आता है यस सर, कैंसर को ट्रीट करने के काम में आता है यस, तो इतनी साइटोटॉक्सिक देर से भी आप बता सकते थे, बोलने में कौन सा वो है. आपसे मैंने पूछा ही तो है कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को क्या होती है, उनका यूज क्या होता है. अब सर, तुम बोल रहा रिप्लाई था नहीं पर यहाँ करते. ओके नेटवर्क इतना स्लो है कि लिसन, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स क्या है, जो कि एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग्स होती हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर यूज होती है. ए कैंसर ऑफ द लिम्फोटिक वो डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ मेडिसिन दैट कंटेन केमिकल्स विच आर टॉक्सिक टू सेल, देयर रेप्लिकेशन और ग्रोथ, एंड सो आर यूज टू ट्रीट कैंसर. जो कि ड्रग्स कैंसर को ट्रीट करने में एंड उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के अंदर यूज होती है, आल्सो नोन एज साइटोटॉक्सिक या एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग्स. नेक्स्ट वन, मेल फर्टिलिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोअल प्रोडक्शन और फंक्शंस एंड कैन बी आइदर. यहाँ पे जो मेल फर्टिलिटी होती है वो रिड्यूस होती है बाय द इम्पेयरमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोअल प्रोडक्शंस. एंड यहाँ पे जो फर्स्ट जो सेंटेंस था हम लोगों का, फेलियर विथ एम्यूरिया. एम्यूरिया मीन्स द एब्सेंस ऑफ मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड. जो फीमेल्स के अंदर मंथली जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, इट्स मीन्स एम्यूरिया. एंड मेल फर्टिलिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोअल प्रोडक्शंस और फंक्शंस एंड कैन बी आइदर. जो कि हम लोगों की बॉडी के अंदर रिवर्सिबल इम्पेयरमेंट एंड इरिवर्सिबल इम्पेयरमेंट्स की वजह से मेल फर्टिलिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है. फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल इम्पेयरमेंट. रिवर्सिबल इम्पेयरमेंट कैन बी कॉज्ड बाय
सल्फासेलाजिन, नाइट्रोफ्यूरांटोइन, माओ इनिबिटर्स. माओ इनिबिटर्स मीन्स मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स कैन, एंड एंटी मलेरिया ड्रग्स. अगर हम लोगों को रिवर्सिबल इंपेयरमेंट होता है किसका, मेल फर्टिलिटी का, तो वो कौन सी ड्रग्स से कॉज होता है, लाइक सल्फासेलाजिन, नाइट्रोफ्यूरांटोइन ड्रग्स, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स एंड एंटी मलेरियल ड्रग्स. दीज आर दी कॉज रिवर्सिबल इंपेयरमेंट ऑफ मेल फर्टिलिटी बाय द इंपेयरमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोअल प्रोडक्शन. एंड स्पर्मेटोजोअल प्रोडक्शन मीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पर्मेटोजेनिया ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस इन मेल गोनाड्स. ए सेकेंड प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस leads to change in cellular organization and safe before release into the central lumen of the seminiferous tubules. And next one is irreversible impairment. Irreversible impairment means due to azoospermia can be caused by cytotoxic drugs such as alkylating agents, cyclophosphamides and chlorambucil. इरिवर्सिबल इम्पेयरमेंट जो हम लोगों को देखने को मिलता है मेल फर्टिलिटी के दौरान, वो किस वजह से देखने को मिलता है, ड्यू टू एजोस्पर्मिया. एजोस्पर्मिया मीन ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्म फ्रॉम द फ्लूइड इजेक्युलेटेड ड्यूरिंग योर ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे हम लोगों को जो स्पर्म होता है उसका क्या होगा, फ्लूइड इजेक्युलेशन क्या होगा, एब्सेंस हो जाएगा. इजेक्युलेशन ऑफ स्पर्म इज कंप्लीटली एबसेंट इन द azoospermia and can be caused by cytotoxic drugs. जो irreversible impairment हम लोगों को देखने को मिलता है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, due to the cytotoxic drugs and as a alkylating agents, cyclophosphamides and chlorambucil. These are the drugs are used in the treatment of cancer and antineoplastic drugs. These are the antineoplastic drugs cause the irreversible impairment due to azoospermia. Next one is effect concerned with reproduction. Effect concerned with reproduction like teratogenesis. Do you know teratogenesis? Anyone कोई बता सकता है teratogenesis क्या होता है? What is teratogenesis? Yes or no? Okay, listen. Teratogenesis, the process by which congenital malformation are produced in a embryo or fetus. ये एक teratogenesis का एक process है जो कि हम लोगों को produce होती है during the embryo and fetus production के दौरान. And teratogenesis occurs when a drug taken during early stages of pregnancy and causes a development abnormality in a fetus. टेरेटोजेनेसिस बेसिकली हम लोगों को कब देखने को मिलती है, जब हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान, अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी ड्रग्स का यूज करते हैं, इंटेक करते हैं, जो कि क्या कॉज करेगी, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज इन फीटस, जो कि क्या कॉज करेगी, एबनॉर्मलिटी शो करेगी इन फीटस के अंदर. एंड ड्रग्स कैन अफेक्ट फीटस एट स्टेज थ्री स्टेजेस. जो ड्रग्स हैं जो कि अफेक्ट करती है फीटस को, वो स्टेजेस थर्ड तक अफेक्ट करती है. नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इन विच फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन कंसेप्शन टू 17 डेज एंड फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी विच ऑफ्टन गोस अननोटिस्ड. एंड नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑर्गेनोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन मीन्स इज द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, एग एंड स्पर्म टू फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट. जो हम लोगों के बॉडी के अंदर एग एंड स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट सेल बनती है, इट्स मीन्स फर्टिलाइजेशन. एंड नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनोजेनेसिस. Organogenesis, the science of organized integrated process that transform and amorphous mass of cell into a complete organ in the developing embryo, means organogenesis.
between 18 to 55 days of gestations, between the 18 to 55 days of gestations. Gestation means is the period of time between conception and birth. Between the conception and birth के बीच में जो time होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं gestations. And most vulnerable periods deformities are produced during the organogenesis. Next one is growth and development. Growth and development. During the growth and development, 55 days onwards. Starting से 55 days तक हम लोगों को growth and development देखने को मिलता है. And development and functional abnormalities can occur during the growth and development phase. And next one is ACE inhibitors can cause hypoplasia. ACE means angiotensin converting enzyme inhibitors can cause hypoplasia of organs. ACE inhibitors cause the hypoplasia of organs. Hypoplasia means refers to a leak of cell in a organ or tissues. And NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs may induce premature closure of duct arterioles. Non-steroidal anti-inflammatory drugs क्या induce करेगी हम लोगों को, अगर कोई भी pregnant lady है अगर वो NSAIDs drugs का use करती है तो NSAIDs drugs क्या induce करेगी, premature closure of duct arterioles. Premature closure of duct arterioles means occurring during fetal life. जो fetal life होती है उसके दौरान हम लोगों को premature closure of duct arterioles देखने को मिलती है. Next one, different teratogenic drugs are like thalidomide, methotrexate, warfarin, phenytoin, phenobarbital, valproate, sodium and lithium. These drugs are cause the teratogenesis. Different teratogenic drugs जो कि हम लोगों के हैं like thalidomide, methotrexate, warfarin, phenytoin, phenobarbital, valproate, sodium and lithium. These are the cause teratogenesis. And next one is factors predisposing to adverse drugs reactions. Adverse drugs reactions के क्या क्या factor predispositions है. First one, drug related factors. Drug related factors like doses form and delivery system, doses form like oral doses form, liquid doses form, semi-solid doses form and delivery system. Delivery system means route of administrations like oral route of drug administrations, IV route of drug administrations, parenteral route of drug administrations, intradermal route of drug administration. These are the factors of delivery system. And interactions between drugs. Drug-drugs के बीच में जो interactions होते हैं, drug-drug interactions means interaction between drugs. And next one is, second one is patient-related factors. These are the drug-related factors like dose, doses form and delivery system and interaction between drugs like drug-drug interactions, drug-food interactions. And next one is, second one factor is patient-related factors like as GRDITs. GRDITs means is a especially that focus on healthcare or elderly peoples. And next one is as pediatrics, concurrent disease, hepatic disease. Hepatic disease means liver disease and renal disease, also kidney disease, other diseases, genetic factors like male and genetic factors means gene transfers जो हम लोगों के होते हैं parents to children and genders like male and female nutrients. These are the factors predisposing to adverse drugs reactions. Next one is prevention of adverse drugs reactions. Prevention of adverse drugs reactions. How to prevent adverse drugs reactions? कैसे हम लोग adverse drugs reactions को prevent करते हैं? First one is avoid
ऑल इनकॉर्पोरेट यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ ड्रग्स, अवॉइड ऑल इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ ड्रग्स, जो हम लोग ड्रग को यूज करते हैं वो इनअप्रोप्रिएट अगर कर रहे हैं तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे एंड अप्रोप्रिएटली उसको यूज करेंगे. नेक्स्ट वन इज यूज अप्रोप्रिएट डोज रूट एंड फ्रीक्वेंसी. यूज ऑफ अप्रोप्रिएट डोज एंड रूट एंड फ्रीक्वेंसी टू अवॉइड द एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस. एंड नेक्स्ट वन इज कंसिडर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ड्रग्स रिएक्शंस. अगर किसी पेशेंट को किसी भी ड्रग से एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस है तो उसको हम लोग उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है पेशेंट की उसको कंसिडर करेंगे फॉर द अवॉइडेंस ऑफ एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस. एंड नेक्स्ट वन इज रूल आउट पॉसिबिलिटीज ऑफ ड्रग इंटरफेरेंस. अगर किसी भी ड्रग से हम लोगों को ड्रग इंटरफेरेंस है तो हम लोग उसको उसके रूल्स को पॉसिबिलिटीज को फॉलो करेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज कैरी अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी मॉनिटरिंग. अगर कोई भी ड्रग हम लोग पेशेंट को दे रहे हैं तो उसकी अप्रोप्रिएटली लेबोरेटरी मॉनिटरिंग करेंगे. दीज आर दी प्रिवेंशंस ऑफ एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस. नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस. व्हाट आर दी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस. लाइक फर्स्ट वन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज साइड इफेक्ट्स. In which side effects, unwanted, unavoidable pharmacological effects occurring at therapeutic dose of drug during the therapeutic treatment. अगर हम लोग किसी भी patient को drug का treatment दे रहे हैं उसके दौरान हम लोगों को unwanted, unavoidable pharmacological effects देखने को मिलते हैं. It means adverse drugs reactions के दौरान हम लोगों को due to adverse drugs reaction हम लोगों को देखने को मिलेंगे like unwanted, unavoidable pharmacological effects. Next one is predicted from pharmacological effects of drugs. Example like atropine. Atropine हम लोगों को क्या करेंगे? क्या predicted side effects देंगे? Like dryness in mouth. Atropine क्या cause करेगा हम लोगों को? क्या pharmacological effects show करेगा? Dryness in mouth. And promethazine. प्रोमेथाजिन हम लोगों को कॉज करेगा सेडेशन एंड सेकेंडरी इफेक्ट्स. सेकेंडरी इफेक्ट्स इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ प्राइमरी एक्शन ऑफ ड्रग्स. इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ प्राइमरी एक्शन ऑफ ड्रग्स लाइक एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन हम लोगों को क्या प्राइमरी एक्शन शो करेगा? सुपर इन्फेक्शंस. दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ टेट्रासाइक्लिन ड्रग like supra infections. And next one is toxic effects. Results of excessive pharmacological action of drug. Result of excessive pharmacological action of drug due to overdoses or prolonged use. अगर किसी भी ड्रग का हम लोग ओवरडोज यूज करते हैं या फिर prolonged use करते हैं तो उसके हम लोगों को क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्या क्या टॉक्सिक इफेक्ट्स आ सकते हैं. Like example of drug like morphine. Morphine का अगर हम लोग overdose use करते हैं या prolonged use करते हैं तो हम लोगों को क्या क्या side effects आएंगे, क्या क्या toxic effects आएंगे. Like respiratory depression. जो हम लोगों का respiratory system है उसको depress हो जाएगा. And aminoglycosides. Aminoglycosides हम लोगों को क्या cause करेगा? Ototoxicity. Do you know ototoxicity? एनीवन कोई बता सकता है ऑटोटॉक्सिसिटी क्या होता है? व्हाट इज ऑटोटॉक्सिसिटी? यस और नो? ऑटोटॉक्सिसिटी इज व्हेन ए पर्सन डेवलपिंग हियरिंग और बैलेंस प्रॉब्लम ड्यू टू मेडिसिंस. अगर किसी भी मेडिसिन की वजह से डेवलपिंग जो हम लोगों की हियरिंग आवाज जो डेवलप होती है उसके अंदर अगर हम लोगों को डिसबैलेंस देखने को मिलता है इट्स मींस ऑटोटॉक्सिसिटी. एंड नेक्स्ट वन इज अनटॉवर्ड्स इफेक्ट्स. अनटॉवर्ड्स इफेक्ट्स लाइक अकर्स एट
therapeutic dose, but if severe necessities, cessation of treatments and vomiting and diarrhea with para-aminosalicylic acids. Para-aminosalicylic acids जो ड्रग्स होती हैं इस कैटेगरी की, वो हम लोगों को क्या कॉज करेगी, उनके अनवांटेड इफेक्ट्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, लाइक वॉमिटिंग एंड डायरिया विथ para-aminosalicylic acids. Example of para-aminosalicylic acids is like mesalazine, valsalazine, oseloxacin. These are the drugs under the category of para-aminosalicylic acid. These are the clinical manifestations of adverse drugs reactions. Next one is clinical manifestations of adverse drugs reactions like iodosyncrasy. Iodosyncrasy, a person in which iodosyncrasy, a person particularly way of behaving, thinking, etc. Especially when it is unusual and usual characteristics in which iodosyncrasy genetically determined abnormal reactions to a drug or chemicals. किसी भी ड्रग्स और केमिकल्स की वजह से हम लोगों को क्या डिटरमाइन होगा, एब्नॉर्मल रिएक्शंस ड्यूरिंग द आयोडोसिनक्रेसी एंड सैलिसिलेट्स एंड सल्फोनामाइड्स. सैलिसिलेट्स एंड सल्फोनामाइड्स प्रोड्यूस हीमोलाइसिस इन इंडिविजुअल हुज आरबीसी लैक्स लाइक ड्यू टू ग्लूकोज 6 लैक ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस. सैलिसिलेट्स एंड सल्फोनामाइड्स हम लोगों को क्या प्रोड्यूस करेंगे, हीमोलाइसिस. हीमोलाइसिस कॉज करेंगे ड्यू टू द लैक ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस. ये क्या है, एक एंजाइम है जो कि हम लोगों के रेड ब्लड सेल्स आरबीसी जो होती है एरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन के अंदर इसका यूज रहता है, जो कि हम लोगों को अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस की कमी होती है तो हम लोगों को क्या कॉज होगा, एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस देखने को मिलेगी. एंड नेक्स्ट वन इज ड्रग एलर्जी, इन विच ड्रग एलर्जी इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड रिएक्शंस. इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड रिएक्शंस प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स विच आर अनरिलेटेड टू फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग इंडिपेंडेंट टू ड्रग डोज. यहाँ पे जो हम लोगों को ड्रग एलर्जी देखने को मिलेगी वो फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, उससे रिलेटेड नहीं रहेगी. और ये क्या है, एक मीडिएटेड रिएक्शंस है. नेक्स्ट वन इज फोटोसेंसिटिविटी. फोटोसेंसिटिविटी मींस इज ए एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन एंड अदर लाइट सोर्सेस, इन विच फोटोसेंसिटिविटी drug or its metabolites accumulate in the skin. Photosensitivity के दौरान कोई भी drug अगर हम लोग ले रहे हैं तो उस drug का metabolites कहाँ accumulate हो जाएंगे, in the skin. Skin के अंदर हम लोगों के drug के metabolites accumulate means इकट्ठे हो जाएंगे and absorb light and undergoes photochemical reactions. जो chemicals metabolite accumulates हैं drugs के, वो skin में जो accumulate होंगे वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे लाइट का, जो कि लाइक यूवी लाइट एंड जो हम लोगों की नॉर्मल अदर लाइट सोर्सेज होते हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे एंड अंडरगो फोटोकेमिकल रिएक्शंस. देन वो कॉज करेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शंस टू कॉज लोकल टिश्यूज डैमेज. देन आफ्टर फोटोकेमिकल रिएक्शंस कॉज द लोकल टिश्यू डैमेज, जो स्किन के टिश्यूज है वो डैमेज हो जाएंगे ड्यू टू द फोटोसेंसिटिविटी. Example of drugs for to cause the photosensitivity. जो drugs हम लोगों को photosensitivity cause करती हैं, उनके examples like tetracycline and fluoroquinolones, sulfonamides. These are drugs cause the photosensitivity. These are the references of adverse drugs reactions के. ये आप लोगों का एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस टॉपिक कंप्लीट हो गया है.
इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेडिक्टेबल कॉजेस ऑफ मोस्ट एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस. ऑप्शन ए इज नॉन अडेरेंस, ऑप्शन बी इज एलर्जिक रिएक्शंस, ऑप्शन सी इज डोजेस इश्यू, ऑप्शन डी इज आयोडोसिनक्रेटिक कॉजेस. द राइट आंसर इज सी, डोजेस इश्यूज. नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज डोज रिलेटेड एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस आर ए पर्टिकुलर कंसर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमटेंस. ऑप्शन ए इज द पेशेंट हैज अदर नॉन एलर्जीज, ऑप्शन बी इज द पेशेंट इज आल्सो बीइंग ट्रीटेड विद द अदर ड्रग्स, ऑप्शन सी द ड्रग इज न्यू ऑन द मार्केट, ऑप्शन डी द ड्रग हैज ए नैरो थेरापेटिक इंडेक्स. द राइट आंसर इज डी, द ड्रग हैज ए नैरो थेरापेटिक इंडेक्स इज द डोज रिलेटेड एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस. नेक्स्ट वन इज फार्माको विजिलेंस इज डन फॉर मॉनिटरिंग ऑफ. ऑप्शन ए इज ड्रग प्राइस, ऑप्शन बी अनइथिकल प्रैक्टिस, ऑप्शन सी ड्रग सेफ्टी एंड ऑप्शन डी फार्मेसी स्टूडेंट्स. द राइट आंसर इज सी, ड्रग सेफ्टी इज डन ड्यूरिंग द फार्माको विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप बी एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप बी एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस. ऑप्शन ए इज हाइपोग्लाइसेमिया कॉज्ड बाय इंसुलिन, ऑप्शन बी ड्राइनेस ऑफ माउथ कॉज्ड बाय एट्रोपिन एंड ऑप्शन सी एनीमिया इन पेशेंट्स विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी कॉज्ड बाय प्रिमाक्विन एंड ऑप्शन डी हाइपरग्लाइसेमिया कॉज्ड बाय थायजाइड डायुरेटिक्स. द राइट आंसर इज सी, एनीमिया इन पेशेंट्स विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशियंसी कॉज्ड बाय प्राइमाक्विन. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हेन टेट्रासाइक्लिन इज गिवन विद एंटी एसिड द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन. ऑप्शन ए इज इंक्रीज्ड, ऑप्शन बी डिक्रीज्ड, ऑप्शन सी मिनिमली अल्टर्ड एंड ऑप्शन डी नॉट अल्टर्ड एट ऑल. द राइट आंसर इज टेट्रासाइक्लिन गिव विद एंटी एसिड एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगी ड्यू टू द एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस. एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज ग्रे बेबी सिंड्रोम अकर्स इन न्यू बॉर्न विथ. ऑप्शन ए इज टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी क्लोराम्फेनिकोल, ऑप्शन सी इज पेनिसिलिन एंड ऑप्शन डी इज रिथ्रोमाइसिन. ग्रे बेबी सिंड्रोम अकर्स इन न्यू बॉर्न विथ. ऑप्शन A is tetracycline, option B is chloramphenicol, option C is penicillin and option D is erythromycin. The right answer is chloramphenicol cause the gray baby syndrome in newborn with. Next one is iodosyncrasy is a option A is type A adverse drugs reaction, option B type B adverse drugs reactions and option C type C adverse drugs reactions and option D type D adverse drugs reactions. The right answer is B, type B adverse drugs reaction. Iodosyncrasy is a type B adverse drugs reactions. Next one question, which of the following terms does not describe an adverse drugs reactions. Option A is iodosyncrasy, option B is
एनाफाइलेक्सिस, ऑप्शन सी इज टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स एंड ऑप्शन डी प्लेसिबो इफेक्ट. द राइट आंसर इज डी, प्लेसिबो इफेक्ट्स नॉट डिस्क्राइब एन एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिंस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज सेफ टू यूज इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. ऑप्शन ए इज एसिटामिनोफेन, ऑप्शन बी इज वारफेरिन एंड ऑप्शन सी इज एस्प्रिन एंड ऑप्शन डी इज ऑक्सीकोडोन. द राइट आंसर इज ए, एसिटामिनोफेन इज सेफ टू यूज इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू राउलिंस थॉम्पसन्स क्लासिफिकेशन टाइप डी एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस इंक्लूड. ऑप्शन ए इज कार्सिनोजेनेसिस, ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया एसोसिएटेड विद बीटा ब्लॉकर्स, ऑप्शन सी एनाफाइलेक्सिस एसोसिएटेड विद पेनिसिलिन, ऑप्शन डी ओपेट विथड्रॉवल सिंड्रोम्स. द राइट आंसर इज ए, कार्सिनोजेनेसिस is a type D adverse drugs reactions. These are the multiple choice questions for adverse drugs reaction topic. Thank you all of you. ये आप लोगों का adverse drugs reactions topic complete हो गया है. Any query regarding adverse drugs reactions, अगर किसी को कोई भी query है तो वो पूछ सकता है. आप लोगों का 950 से LMS के ऊपर क्लास स्टेटस, तो सभी को क्लास टेस्ट ज्वाइन करना है LMS के ऊपर. ओके 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 सर, 950 से आप लोगों का क्लास टेस्ट है LMS पे, तो सभी को ज्वाइन करना है. एंड नेक्स्ट वन टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. ओके ओके सर. ओके ओके सर. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू. जॉइन योर क्लास टेस्ट ऑन LMS.